हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को सैंडविच का एक बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये जो सैंडविच मैंने बनाया है, इसमें मैंने मिक्स सलाद यूज किया है और मलाई के साथ मैंने इसको बनाया है। बहुत आसान है, घर में रखे सामानों से बनता है, झटपट इंस्टेंट रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप जरूर ट्राई करें। अगर आपके मेरा वीडियो अच्छे लगे तो जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड का स्लाइस लिया है, जितना आप चाहें। और मिक्स सलाद में मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, आधा गाजर है। इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में कट किए हैं। छोटा वाला एक प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। एक टमाटर है छोटा सा, इसका मैंने बीच का जो गुदा होता है पल्प उसको निकाल दिया है और तब मैंने इसको कट किया है। एक खीरा है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। और दो हरी मिर्ची है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, पतला पतला। और मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, ब्लैक सॉल्ट है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्ची है, ये मैंने 8 से 10 लिया है। इसको मैंने कूट लिया है, कुकिंग ऑयल चाहिए। और ये मैंने 1 लीटर दूध का मलाई लिया है और मलाई को मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया है जिसके कारण ये और गाढ़ा हो गया है। इसका जो दूध है वो सूख गया है और मैंने इसको छन्नी में भी रख के इसका एक्सेस दूध निकाल लिया था। फर्स्टली एक बोल लेंगे और उसमें हम अपना ये जो प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर है सभी को उसमें डाल देते हैं। और इसमें अब हम काला नमक जो है वो डाल देंगे, काली मिर्ची है उसको डाल देना है और मलाई जिसका कि मैंने दूध को निकाल दिया है और ये बस मलाई है, ये डाल देंगे हम। अब इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। मिक्स हो चुका है, अब हम इसको ब्रेड में डालेंगे। दो ब्रेड लेंगे और ब्रेड में हम बीच में ही डालेंगे, साइड से डालेंगे तो वो गिर जाएगा। इस तरह से हम इसमें डाल करके और एक और ब्रेड डाल करके इसको दबा लेंगे। इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये पकड़ जाएगा। ये एक हो गया है, इसी तरह से हम सारे ब्रेड को जितना आप चाहें उतने में इसको अंदर डाल दें। सारे सैंडविच को मैंने तैयार कर लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 सैंडविच इतने मटेरियल में बना है। अब हम इसको सेकेंगे। हम तवा गर्म कर लेते हैं। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे तो हम जितना दूर हमारा ब्रेड सैंडविच वाला ब्रेड जाएगा उतना दूर हम इसको फैला लेते हैं तो वो ब्रेड से कट जाएगा। अब बिल्कुल आंच को बिल्कुल कम कर देंगे और इसमें हम एक ब्रेड डाल देंगे, एक सैंडविच। इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ये हो गया है एक तरफ से, बस झट से हो जाता है ये। जबरदस्ती नहीं निकालना है इसको, ये खुद जब हो जाएगा तो लेयर छोड़ देगा। अब हम फिर आधा चम्मच तेल डालेंगे और इसको हम पलट के इसमें इस तरह से पलट देंगे। आंच बिल्कुल कम ही रहेगा और फिर से हम इसको दबा लेते हैं, प्रेस करेंगे।
अभी देखिए ये दोनों तरफ हो गया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको टर्न किया है, इसको टर्न नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपको कुछ इसको कट लगाना है तो इसको तवे पे ही, गर्म में ही कट लगाएं, ठंडा होने पे ये नहीं कटता है। इस तरह से हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। फिर से हम तवा गर्म करेंगे और हाफ चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें सैंडविच डाल देंगे। इसको प्रेस कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सारा सैंडविच मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सैंडविच बन करके तैयार है। हम इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। इसको टोमेटो सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है ये, मलाई सैंडविच विथ सलाद। तो इसको आप जरूर बना के टेस्ट करिएगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।